नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विकास कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी, अपना विषय चल रहा है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसके तहत हमने पिछले व्याख्यान में प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसमें हमने प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद के मध्य समानताएं एवं असमानताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि क्या प्लेटो फासीवादी विचारक हैं। कई बार ये कहा जाता है कि प्लेटो ने ऐसे सिद्धांत दिए जो उनको उदारवादी एवं लोकतांत्रिक कम तथा फांसीवादी दृष्टिकोण से अधिक इंगित करते हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो मार्क्स एवं हीगल बंद समाज के समर्थक हैं और उन्हें फांसीवादी विचारक की संज्ञा देता है। उन्होंने कई उदाहरणों से प्लेटो, मार्क्स और हीगल को फांसीवादी विचारक बताया। कार्ल पॉपर का कहना है कि प्लेटो फांसीवादियों की भांति शासक को असीमित शक्तियां प्रदान करता है और कर्तव्य पालन पर बल देता है। वह राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। कुल मिलाकर इन सभी विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो फांसीवादी विचारक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्लेटो को स्वतः फांसीवादी विचारक कहना उचित नहीं होगा। हालांकि दार्शनिक राजा संबंधी उनके विचारों में, जहां वह शक्ति का केंद्र दार्शनिक राजा को बनाता है और राज्य की सारी शक्तियां दार्शनिक राजा को सौंपता है, तो ऐसा लक्षण हमको प्रतीत होता है कि वह फांसीवादी विचारक है। लेकिन प्लेटो को उस प्रकार फांसीवादी नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार के फांसीवाद का बाद में विचार सामने आया और उसका प्रभाव भी लोगों को देखने को मिला, जैसा मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में हमको भयंकर तानाशाहीपूर्ण शासन दिखाई देता है, वैसा प्लेटो के शासन व्यवस्था में हमको देखने को नहीं मिलता। प्लेटो दार्शनिक राजा को स्वतः शक्तिशाली बनाता है और सारी शक्तियों का केंद्र दार्शनिक राजा को मानता है, लेकिन फिर भी इन विचारों में जन सहमति, वर्ग सहयोग और नैतिकता का भाव अधिक है। इस आधार पर जहाँ नैतिकता और जहाँ सद्गुण की बात आती है, इस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को फांसीवादी नहीं कह सकते, क्योंकि फांसीवाद में नैतिकता और सद्गुण के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो इस आधार पर प्लेटो को फांसीवादी विचारक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी बीए पाठ तृतीय के एग्जाम्स में लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के रूप में कई बार ये पूछा जाता है कि क्या प्लेटो फांसीवादी विचारक हैं, और वहाँ हमको संतोषप्रद जवाब देना होता है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम प्लेटो के विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो प्लेटोवाद और फांसीवाद में बहुत आधारभूत अंतर है। यानी इन आधारभूत अंतरों के आधार पर हम दोनों का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में प्लेटो फांसीवादी विचारक है या नहीं है।
तो मैंने एक छोटा सा यहाँ सारणी बनाने की कोशिश की है, जहाँ एक ओर प्लेटोवाद और दूसरी ओर फासीवाद आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला बिंदु, प्लेटो विवेकवादी है। प्लेटो मानवीय आत्मा की गुणों के आधार पर शासन सत्ता का और राज्य व्यवस्था का वर्गों में विभाजन करता है, और ये बहुत तार्किक है, बहुत युक्ति युक्त है, बहुत विवेक सम्मत है कि मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर समाज में तीन वर्ग होंगे और उन तीनों वर्गों का अपना विशिष्ट कार्य होगा, कि जैसे जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होगी वह दार्शनिक राजा बनेगा, जिसमें साहस तत्व की प्रधानता होगी वह सैनिक वर्ग में जाएगा और उसका कार्य राज्य की सुरक्षा करना होगा, और जिसमें संयम यानी तृष्णा तत्व की प्रधानता होगी वह उत्पादक वर्ग में जाएगा और उसका कार्य अन्य दोनों वर्गों की सेवा करना, साथ ही कृषि और पशुपालन का कार्य करना होगा। यानी उसने ये जो विभाजन किया, कार्य विभाजन कह दीजिए या शिक्षा व्यवस्था का स्टेप बाय स्टेप वर्गीकरण देख लीजिए, या दार्शनिक राजा बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, संयम, विवेक पूर्ण आचरण, इसकी भावना देख लीजिए, यानी इन सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो विवेकवादी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें फासीवाद की, तो फासीवाद विवेक विरोधी है। वहाँ बुद्धि के लिए, विवेक के लिए कोई स्थान नहीं होता, वहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात होती है, वहाँ शक्तिशाली का हित होता है और वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति होती है। यानी फासीवाद में विवेक के लिए कोई स्थान नहीं होता, फासीवाद विवेक विरोधी है। उसमें जिसके पास नेतृत्व होगा, जिसके पास ताकत होगी, वह जो कह दे वही सही है, यानी वह हर कार्य की परिभाषा अपने अनुसार तय करता है और उसी को अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करता है, उसको अन्य विचारधाराओं से और अन्य नैतिक और सद्गुणों संबंधी विचारों से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, प्लेटो संयम की बात करता है। प्लेटो कहता है कि ये जो समाज के अलग अलग वर्ग होते हैं, इनके कार्य बटे हुए और ये बहुत संयमपूर्ण तरीके से अपने अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हैं और इनको पालन करना चाहिए। साथ ही प्लेटो साम्यवाद की बात करता है, और साम्यवाद में प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करता है, जिसमें प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आचरण बहुत संयमित होगा, और बहुत संयमित आचरण होगा तभी प्लेटो का साम्यवाद सफल हो पाएगा। तो प्लेटो कुल मिला के हर स्तर पर संयम की बात करता है, जबकि दूसरी ओर अगर हम फासीवाद की बात करें तो वह दमन की बात करता है, वह समूल नष्ट भ्रष्ट कर देने की बात करता है, वह संपूर्ण व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की बात करता है, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो। तीसरा बिंदु, प्लेटो साम्यवाद का समर्थन करता है। प्लेटो साम्यवाद की बात करता है कि यहाँ ना कोई किसी की संपत्ति होगी, ना कोई किसी का परिवार होगा, यानी सब कुछ राज्य द्वारा नियंत्रित होगा और राज्य के अंतर्गत होगा। लेकिन फांसीवाद में साम्यवाद का कोई स्थान नहीं है, हालांकि फांसीवाद में भी सब कुछ राज्य के अंतर्गत और सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होने की बात की जाती है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो सकता। वहां जिसके पास शक्ति होगी उसके नेतृत्व में होगा। यहाँ जहाँ प्लेटो के साम्यवाद में निजी नियंत्रण और सार्वजनिक उपभोग की बातें होती है, वहाँ फांसीवाद में ऐसा देखने को नहीं मिलता। फांसीवाद में नियंत्रण भी निजी होता है और उपभोग भी निजी होता है। व्यक्तिगत सद्गुणों का समर्थक, प्लेटो व्यक्तिगत सद्गुणों का समर्थक है। उसमें संयम भी है, उसमें त्याग भी है, उसमें सत्य भी है, न्याय भी है, कर्तव्य निष्ठता भी है, कार्य का वर्गीकरण भी है, उसमें सब प्रकार के सद्गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन फांसीवाद सद्गुण विरोधी है। फांसीवादी विचारों के तहत ना कोई नैतिकता के लिए स्थान, ना कोई न्याय, ना जो फांसीवादी कह दे वही न्याय है, जो उसके हित में हो
जैसा अपन ने उदाहरण भी देखा होगा, प्लेटो प्लेटो के विचारों के जस्ट विपरीत आपने देखा होगा मुसोलिनी और हिटलर कितने तानाशाह थे, कितने कट्टर फासीवादी विचारक थे, और उन्होंने किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया और अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त करने की कोशिश की। तो वहाँ सद्गुण के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो सद्गुण हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे सत्य हो, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। तार्किक विश्लेषण पर बल देता है प्लेटो। प्लेटो तर्क की बात करता है, प्लेटो हर चरण पे तर्क की बात करता है कि और हर व्यक्ति का अपना कार्य विभाजित है कि भाई उत्पादक जो वर्ग होगा वह ये निर्धारित काम करेगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, और बाकायदा उसने बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को समझाया। इसके अलावा वह अन्य वर्गों की सेवा करेगा, और सैनिक वर्ग का भी उन्होंने काम बताया कि सैनिक वर्ग का क्या क्या काम होगा, और दार्शनिक राजा के भी कर्तव्य और उसके जो योजनाएं, उसके विचार, उसके संयमपूर्ण त्यागपूर्ण विचारों का विस्तृत वर्णन प्लेटो ने किया है। और प्लेटो एक तार्किक लंबी शिक्षा प्रणाली की बात करता है। प्लेटो सारे विषयों के अध्ययन अध्यापन की बात अपनी अकादमी में करता है। तो कुल मिला के प्लेटो का जो विचार है वो बहुत तार्किक है, रैशनल है, लेकिन फासीवाद में ऐसा देखने को नहीं मिलता। फासीवाद में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। फासीवाद में तर्क वही उचित माना जाएगा जो आप फासीवादी के समर्थन में बोलो। अगर उसके विरोध में कोई बात हुई तो आपका सर कलम हो जाएगा, आप उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते। आपको वो फासीवादी कहे कि दिन में भी अगर वो कहे कि रात है तो आपको रात कहनी पड़ेगी, और अगर आपको सुबह सूर्योदय के समय भी कहे कि सूर्यास्त हो रहा है तो आपको यही बोलना पड़ेगा। यानी आप अपने तर्क से कोई बात नहीं रख सकते, वहां फासीवादी जो कहेगा वही होगा। तो यहां तर्क कोई महत्व नहीं है। अगला बिंदु आत्मनिर्भर नगर राज्य। अब देखो प्लेटो छोटे छोटे नगर राज्यों में अपनी शासन व्यवस्था, अपने आदर्श राज्य की व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है, चाहे वो अपनी साम्यवादी व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, यानी वो छोटे छोटे नगर राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है इन सब के माध्यम से। लेकिन फासीवाद विश्व साम्राज्यवाद की बात करता है, फासीवाद युद्ध की बात करता है, फासीवाद अतार्किक बात करता है, फासीवाद साम्राज्य विस्तार की बात करता है, फासीवाद सब कुछ समूल नष्ट करने की और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की बात करता है। तो ये विश्व साम्राज्यवाद की बात करता है। जैसा कि आप लोगों को फासीवादी दृष्टिकोण की, फासीवादी विचारकों की तरह ही आपने एलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। एलेक्जेंडर को भी ये सनक घुस गई कि मैं विश्व विजेता बनकर रहूंगा। तो ये क्या है, ये तानाशाही पूर्ण रवैया है कि आप छोटे छोटे नगर राज्यों को कुचल कर और छोटे छोटे राज्यों को कुचल कर एक विशाल साम्राज्य बनाना चाहते हो, और सबको अपने आधिपत्य में, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तो वैसे ही फासीवादी विचारों के तहत देखने को मिलता है कि फासीवादी विश्व साम्राज्यवाद की बात करता है। अगला बिंदु प्लेटो शांति से आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि प्लेटो को आदर्श राज्य चाहिए, और आदर्श राज्य की स्थिति में फिर आइडियल होनी चाहिए। उसके हर सिद्धांत, उसका हर कर्तृत्व, उसकी हर योजना बहुत शांतिपूर्ण होनी चाहिए। कहीं भी कोई तनाव होगा, कहीं भी कोई किसी वर्ग का कोई शोषण होगा, कहीं भी नैतिकता और सद्गुणों का उल्लंघन होगा, तो वहां फिर आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्लेटो शांति से आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। और यदि दूसरी तरफ देखे फासीवाद में सब कुछ युद्ध के माध्यम से प्राप्त करने की बात करता है कि युद्ध एक योद्धा का अस्त्र होता है, एक योद्धा का प्रतीक होता है, युद्ध और अस्त्र उसके प्रतीक होते हैं, और युद्ध उसका लक्ष्य होता है। और मुसोलिनी तो कहता भी था कि जो राज्य युद्ध करता रहता है वह बहते हुए पानी की तरह तरोताजा रहता है, और जो राज्य युद्ध से विमुख रहता है वह झील में तैरे हुए पानी की तरह सड़ जाता है। मुसोलिनी खुद कहता है कि मुसोलिनी के विचार बड़े पॉपुलर कि मातृत्व जिस प्रकार महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार राष्ट्र राज्य को युद्ध करना चाहिए। ये युद्ध राष्ट्र राज्यों का अपना एक अधिकार है। तो कुल मिला के युद्ध का समर्थक है फासीवाद।
चाहे वो हिटलर देख लीजिए, चाहे वो मुसोलिनी देख लीजिए, और प्रथम विश्व युद्ध की बात में किस प्रकार इन दोनों तानाशाहों ने अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए और जितनी भी अपनी वरसाई की संधि मान लीजिए या और कोई जितने भी कॉम्पिटिटर उनको सबको एक एक करके सबको तोड़ना और फिर पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना, तो ये सब फासीवादी विचारों के लक्षण हैं। तो कुल मिला के फासीवादी युद्ध के समर्थक है, साम्राज्यवाद के समर्थक हैं, निरंकुशता के समर्थक हैं, और इनके यहाँ शांति और आदर्श और विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।